हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ हॉलीवुड वाले कैसे हमें उल्लू बनाते हैं और ग्राफिक्स के माध्यम से किस तरह से उल्लू बनाते हैं। देखिए, मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। इसमें देखिए कैसे शूटिंग होती है हॉलीवुड मूवी की और रियल और शूटिंग के टाइम में देखिए कितना अंतर होता है। कई सारे लोगों ने पायरेट्स ऑफ कैरेबियन देखा होगा, कैसे समुद्र में वो लोग लड़ते रहते हैं और कैसे गिर जाते हैं पानी में। देखिए, पूरा शूटिंग स्टूडियो में होता है और सारा ब्लेंड किया जाता है ग्राफिक्स। देखिए, दूसरा आपने देखा होगा स्पाइडरमैन जब हवाई जहाज से गिरता है, ये सीन देखिए कैसे बना है, और ओरिजिनल और डुप्लीकेट देखिए पूरा का पूरा कैसे बनता है। और ये देखिए एक्शन सीन कैसे बनाया जाता है, स्टूडियो में जाके ग्रीन स्क्रीन लगा के और सारा का सारा इंसान वहां पे होता है, करता रहता है काम और लगता है जैसे कि वो जबरदस्त एक्शन सीन है और कैसे टनल में काम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबा दें। स्पाइडरमैन देखिए कैसे कूदता है, लगता है कि सच में कूद रहा है, लेकिन ये देखिए सारे के सारे वायर पे लगे होते हैं, उनके उसके शरीर में वायर बंधा होता है और वो कूदता रहता है और लगता है कि सच में कूद रहा है। हम सभी ने जुमानजी देखा होगा, देखिए जुमानजी में कैसे शूटिंग होती है, पूरा का पूरा ब्लू स्क्रीन पे सारी के सारी की शूटिंग होती है। सीजीआई के थ्रू ब्लेंड करके दिखाया जाता है कि सीन दिखाई जाती है, लेकिन जबकि ये सब होता है सारे के सारे किसमें, स्टूडियो में, और वो भी ब्लू स्क्रीन के अंदर। आप देख सकते हैं एवेंजर एंडगेम कैसे बनाया गया है, सारे के सारे ब्लू स्क्रीन पे बनाया गया है, सब सब पूरे स्टूडियो ब्लू स्क्रीन पे बनाया गया। और जब हम मूवी देखते हैं तो अमेजिंग लगता है, कैसे हो सकता है स्क्रीन, कैसे होता है, सब सारे के सारे 3D में बनते हैं और ये सब देख रहे हैं किस तरह से ब्लेंड किया हो गया ब्लू स्क्रीन में और कैसे रिकॉर्डिंग किया गया है, सारे के सारे ब्लू और ग्रीन स्क्रीन का यूज किया हो गया। एक्वामैन सबने देखा होगा, आप देखिए एक्वामैन में कैसे सारे के सारे शूटिंग हुआ, सारा ग्रीन स्क्रीन में होता है। सुपरमैन आप लोग देखते होंगे सुपरमैन कैसे उड़ता रहता है हवा में, लेकिन हवा में उड़ता नहीं है वो, तो सारे के सारे वायर से बंधे होते हैं और उड़ता रहता है और हमें दिखता है कि हवा में उड़ रहा है, लेकिन इस तरह से वेलेंड करता है कि हमें लगता नहीं कि ये इस तरह का है, और इतना अच्छा काम करता है कि हम देख के बस देखते ही रह जाते हैं। और कुछ जंगल बुक हम सबने देखा होगा, सारे बच्चे देखे होंगे, देखिए जंगल बुक कैसे बनता है, सारे के सारे घर में बनता है, स्टूडियो में बनता है और ब्लू स्क्रीन में सारा काम होता है और लगता है जैसे कि वो बंदर उसे उठा के फेंक रहे हैं, जबकि वो इंसान उठा के फेंक रहा होता है। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।